नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो होने वाला है अभी, उसको टेंडर किस कंपनी का टेंडर दिया जाएगा। टेंडर की डेट आप सभी को पता है, यहाँ पे टेंडर की डेट है, यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा 14 मई से यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद में 8 जून यहाँ पे फाइनल है ये टेंडर की, और वहाँ पे 8 जून के बाद में रेलवे डिसाइड करेगा कि किस एजेंसी को यहाँ पे ये टेंडर दिया जाएगा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। अगर मैं बात करूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी की, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका वही एजेंसी लेगी जो एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अभी देखना ये है कि जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, अगर मैं बात करूँ 2019 की, 2018 की, और जो भी एक दो साल में रिसेंट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं रेलवे के द्वारा, तो किस एजेंसी के थ्रू यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एएलपीवी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एएलपीवी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 यहाँ पे हुआ था, टीसीएस के द्वारा लिया गया था ये। अगर ग्रुप डी की बात करें जो 2018 में फॉर्म प्रिपरेशन निकला था, उसके बाद में 19 में एग्जाम हुआ, टीसीएस के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। वहीं एएलपी सीबीटी 2 की बात करें, टीसीएस के द्वारा करवाया गया। साइको की बात करें तो यहाँ पे आरडीएसओ जो अलग सीम हो जाता है, साइको एक अलग चीज है, हो सकता है शायद इस बार भी साइको आरडीएसओ को मिले, सीबीटी 1 का भी कोई पता नहीं। अगर बात करूँ आरआरबी जेई की, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था एग्जाम ऑनलाइन में, जहाँ पे लीक हुआ था पेपर, तो इसको तो भूल ही जाओ दोस्तों, आपको इसको कंडक्ट करवाने का भी कोई चांसेस है नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो निकल के आ रहा है टीसीएस, कन्फर्म है 80-90% श्योरिटी यही है कि टीसीएस को ये एग्जाम कंडक्ट करवाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई फाइनल यहाँ पे खबर नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे ई टेंडर के बारे में। ई टेंडर यहाँ पे किस कंपनी को दिया जाएगा, किस एजेंसी को यहाँ पे दिया जाएगा, कौन सी एजेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर मैं बात करूँ टीसीएस और सीएफपी की, मोस्टली दो ही एजेंसी है यहाँ पे इंडिया में। अगर सही बताऊँ तो मैं आपको, एक ऑनलाइन एक एग्जाम ऑनलाइन भी है करके, लेकिन उसको नहीं मिलेगा कन्फर्म है। यहाँ पे टीसीएस या सीएफपी में से एक को यहाँ पे चूज किया जाएगा, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी होगी वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी को पता है टीसीएस यहाँ पे एएलपी और ग्रुप डी का करवा चुकी है रिसेंट रेलवे के एग्जाम, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने करवाया है। वहीं अगर सीएफपी की बात करें, बिफोर 2017, जी हाँ दोस्तों, बिफोर 2017 सीएफपी करवाती थी एसएससी और सीएचएसएल के, सीजीएल और सीएचएसएल वाले एग्जाम, जो एसएससी के जो भी एग्जाम होते थे वो सीएफपी करवाती थी कंडक्ट। आप सभी को पता है 2017 से पहले कितनी बार यहाँ पे सीजीएल के वापस से एग्जाम हुए थे, कितने मतलब स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे ऑनलाइन एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं जो सीएफपी और उसके 2017 के बाद में टीसीएस को यहाँ पे टेंडर मिला था एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एसएससी वाला, वो अच्छे से उसने करवाया और आराम से अच्छे से हुआ। तो यहाँ पे ये मान के चलिए टीसीएस आपके लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पे 100% मैं कहता हूँ। अगर मिलेगा और कन्फर्म है 80% चांसेस यहाँ पे टीसीएस के इस बार नजर आ रहे हैं, और टीसीएस अगर ये कंडक्ट करवाती है तो आपका आराम से फेयर एग्जाम होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूँ जेई की, या दोस्तों जेई में भी यहाँ पे जो एग्जाम ऑनलाइन एजेंसी है उसने कंडक्ट करवाया था, लेकिन यहाँ पे जो मुंबई में जो लीक हुआ था पेपर, वो सातवल इंफोसिस करके कुछ एजेंसी थी, उसने यहाँ पे कंडक्टिंग एजेंसी यही थी। तो ये भी एक तरीके से सीएफपी वाले से ही इंटरेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सभी को पता है 8 जून यहाँ पे लास्ट डेट है, 8 जून को पता चल जाएगा, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों कन्फर्म आने चलिए जुलाई से पहले पहले आपको, या जुलाई के महीने में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि कौन सी यहाँ पे एजेंसी यहाँ पे एग्जाम लेने वाली है, और उसका शेड्यूल भी आपको उसी टाइम उसी समय पता चल जाएगा ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्जाम कब किस महीने में लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बात करते हैं फाइनली एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है फाइनली यहाँ पे कोई बता नहीं सकता। 14 मई से 8 जून यहाँ पे मैंने बताया आपको, उसके बाद में ही कहीं जाके आपको पता चलेगा कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। पॉसिबल एग्जाम डेट बिफोर जुलाई, यहाँ पे आपका यहाँ पे शेड्यूल पता चलेगा किस मंथ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी रेलवे, जो भी एजेंसी है वो किस शेड्यूल जारी करेगी, उस हिसाब से रेलवे आपको बताएगा कि कौन से मंथ एक्सपेक्टेड मंथ यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, एक्सपेक्टेड मंथ आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर, जो लोग बोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में आपका पॉसिबल है यहाँ पे सीबीटी वन यहाँ पे पॉसिबल है, और वो भी यहाँ पे एनटीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी का। वही बात अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी की, ग्रुप डी दोस्तों ये मान के चलिए आपका ग्रुप डी दिसंबर 50% चांस है दिसंबर में स्टार्ट होने ग्रुप डी के, हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है, लेकिन कन्फर्म ये मान के चलिए एनटीपीसी का सीबीटी वन है जो आपका अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है कन्फर्म है अक्टूबर नवंबर में ये एग्जाम कंडक्ट करने के चांसेस है। तो जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और इसका जो भी सिलेबस है वो सब कुछ सारा डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में। टीसीएस अगर यहाँ पे आती है तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, कैसे एग्जाम वो करवाएगी, कैसे क्वेश्चंस वो देगी, वो सारा सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।